ये डॉक्टर साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। पिछले साल इन्होंने मेरी अम्मी का इतने कम पैसों में इतना अच्छा इलाज किया था। और पता है, मैंने तो सुना है कि ये मुस्तहिक लोगों का मुफ्त इलाज भी करते हैं। अच्छा, हैरत है, आजकल के जमाने में भी ऐसे फरिश्ता सिर्फ लोग पाए जाते हैं। बस देख लो बहन। चुपचाप चाबी मेरे हवाले कर दे। एक बात समझ नहीं आती तुम्हें, जब पैसों के बदले बदले तब आना। कमा तो बहुत लिया तूने, अब तेरा हिसाब होगा। क्या मतलब? मतलब मुझसे पूछता है तू डेरे? अपनी गिरफ्तार में जाकर वसीयत के रूम में कातिल हो तुम लोग। इलाज नहीं, जान को कारोबार करते हो तुम लोग। तुम लोग को जीने का कोई हक नहीं। बाप तो था नहीं, एक माँ थी जो तुम लोगों ने छीन ली। मैंने छीन ली? था एक तुम्हारे जैसा ही कोई। भाई आप मुझे बताओ तो सही, आपके साथ हुआ क्या है? डॉक्टर साहब मेरी अम्मी को देखने की तबीयत बहुत खराब है। फीस जमा करा दी है? बाहर जाओ, 500 रुपए जमा करा के आओ। डॉक्टर साहब मेरे पास 200 ही है। नहीं, पूरे 500 लेके आओ। डॉक्टर साहब अभी इतना ही है, बाद में इंतजाम कर दूंगा। खुदा के लिए मेरी अम्मी को चेक कर लें। जाओ, पैसों का बंदोबस्त करो और मुझे तंग मत करो। मैं आपको काफी देर से देख रहा हूँ, आप कभी परेशान लग रहे हैं, खैरियत तो है ना? अंकल मेरी अम्मी के इलाज के लिए 300 रुपए की जरूरत है। बेटा आप परेशान ना हो, मैं देखता हूँ मैं आपकी कितनी मदद कर सकता हूँ। ये ले पैसे, आप जाएं और अपनी अम्मी के इलाज कराएं, ठीक है बेटा? अंकल अल्लाह आपको इसका बहुत अजर देगा। बेटा कोई मसला नहीं, आप जाएं। तो ये है तुम्हारी कहानी? ये तो सर मेरी कहानी है, ना जाने तुम लोगों की बेहसी की वजह से ऐसी कितनी कहानियां बनती होंगी। अच्छा तुम्हें याद है जिस आदमी ने तुम्हारी मदद की थी, उसके साथ एक बच्चा भी था? था, तुम्हें कैसे पता? वो बच्चा मैं था, जिस वाकई ने तुम्हें डाकू बनने पर मजबूर किया। उसी वाकई ने मेरे दिल में एक ऐसा डॉक्टर बनने की ख्वाहिश पैदा कर दी जो फीस से पहले मरीज देखे और किसी की जान इतनी सस्ती ना हो कि वक्त पर फीस ना देने की वजह से जाया हो। मेरे दोस्त वाकिया एक ही था, लेकिन सबक दो अलग अलग थे। यही तो अपनी अपनी सोच का जाविया। ये ठीक है कि तुम एक गुलाब नहीं बन सकते, मगर इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम एक कांटा बन जाओ।
यहाँ एक राज की बात है और वो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ कि जो शख्स कांटा नहीं बनता वो बिलाखिर गुलाब बन ही जाता।